हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेटिक्स। बेटा आज हम करेंगे विस्तास बुक का लास्ट चैप्टर, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। और ये जो है 12th क्लास की बुक है विस्तास, एंड इसका फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं आज, द कटिंग ऑफ माय लॉन्ग हेयर बाय जिद कलासा। द यूनिट प्रेजेंट्स ऑटोबायोग्राफिकल एपिसोड्स फ्रॉम द लाइफ्स ऑफ टू वुमेन फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हु लुक बैक ऑन देयर चाइल्डहुड एंड रिफ्लेक्ट ऑन देयर रिलेशनशिप विद द मेन स्ट्रीम कल्चर। The first account is by an American Indian woman born in the late 19th century and the second is by a contemporary Tamil Dalit writer. तो इस unit में दो autobiographical account आपको देखने को मिलेंगे। First is from the American Indian woman, okay? And the second one is from contemporary Tamil Dalit writer. दोनों ही जो हैं marginalized communities से आते हैं और इनको लगता है, इनको मतलब इनके साथ बचपन में किस तरीके का एक्सप्लॉयटेशन हुआ बिकॉज दे बिलोंग टू द माइनॉरिटी, ठीक है? तो मतलब लोअर कास्ट से बिलोंग, पहले होता था ना कास्टिज्म बहुत ज़्यादा, तो लोअर कास्ट से बिलोंग करती हैं और एक जो है शी इज़ यू नो अमेरिकन इंडियन वुमेन, तो उनके साथ कैसा बिहेव हुआ बचपन में उसके बारे में इन्होंने लिखा। एंड लेट्स सी, फर्स्ट इज जिद कलासा वाला हम कर रहे हैं। द फर्स्ट डे इन द लैंड ऑफ एप्पल्स वॉज बिटर कोल्ड फॉर द स्नो स्टिल कवर्ड द ग्राउंड एंड द ट्रीज वर बेयर। बेयर का मतलब होता है नेक्ड। एंड लार्ज बेल रैंग फॉर ब्रेकफास्ट, इट्स लाउड मेटेलिक वॉइस क्रैशिंग थ्रू द बेल फ्राई ओवर हेड एंड इन टू आर सेंसिटिव ईयर्स। तो कह रही है कि पहला दिन जो था इन द लैंड ऑफ एप्पल्स वॉज अ बिटर कोल्ड वन, बहुत ज़्यादा ठंडा दिन था, बहुत ज़्यादा ठंड थी उस दिन, एंड स्नो ने पूरे ग्राउंड को कवर किया हुआ था एंड द ट्रीज वर बेयर। इतनी ठंड में पत्ते वत्ते तो पेड़ों पे होंगे ही नहीं, है ना, बिल्कुल ना कोई फ्रूट होगा ना कोई लीव्स होंगे। तो ट्रीज वर ऑल नेक्ड एंड लार्ज बेल रैंग, इतने में ब्रेकफास्ट के लिए बड़ी सी बेल बजी और उसकी आवाज़ जो थी वो कैसी थी, मेटेलिक वॉइस, है ना, क्योंकि क्या थी वो, मेटल की बनी हुई थी, लोहे की थी वो घंटी बनी हुई, और उसकी जो क्रैशिंग आवाज़ थी वो कैसी लग रही थी, इट इज़ बेलफ्राई होता है बेल टावर, घंटा घर जैसी, ऐसा लग रहा था हमारे कानों को चीरती हुई आवाज़ जो है उस घंटी की लग रही थी। द एनोइंग क्लैटर ऑफ शूज ऑन बेयर फ्लोर्स गेव अस नो पीस। अब ये जो शूज थे, क्लैटर क्लैटर की आवाज़ आ रही थी, मतलब कि खड़खड़ाहट की जो जूतों की आवाज़ आ रही थी उससे हमें बिल्कुल भी कोई सुकून नहीं मिल रहा था, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रही थी। विद एन अंडर द कॉन्स्टेंट क्लैश ऑफ हार्श नॉइजेज, और बहुत ज़्यादा आपस में बातें हो रही थी, बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो रही थी। विद एन अंडर करंट ऑफ मेनी वॉइस मर्मरिंग एन अननोन टंग मेड अ बेड लैम्प विद इन विच आई वॉज सिक्योरली टाइड। और बहुत ज़्यादा आपस में बात हो रही थी, बातें कर रहे थे, तो बिल्कुल भी मतलब सुकून नहीं मिल रहा था, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रही थी। एंड दो माई स्पिरिट टोर इट सेल्फ इन स्ट्रगलिंग फॉर इट्स लॉस फ्रीडम ऑल वॉज यूजलेस। और मैं चाह रही थी कि मैं और सो जाऊं, लेकिन बिल्कुल भी ये मेरी जो फ्रीडम थी वो बिल्कुल भी सही नहीं थी, मेरी स्ट्रगल जो थी वो बिल्कुल बेकार थी और मुझे उठना पड़ा। अ पेल फेस वुमेन विद वाइट हेयर केम अप आफ्टर अस। अब जैसे हमने देखा, एक पीले फेस की वुमेन, मतलब उनका फेस जो है काफ़ी पेल दिखाई दे रहा था, विद वाइट हेयर, उनके सफ़ेद बाल थे, वो हमारे पीछे पीछे आई। वी वर प्लेस्ड इन अ लाइन ऑफ गर्ल्स हु वर मार्चिंग इन टू द डाइनिंग रूम। और हमें लड़कियों की लाइन में खड़ा कर दिया जो डाइनिंग रूम की तरफ जा रही थी मार्च करती हुई। दीज वर इंडियन गर्ल्स, और ये सारी ही लड़कियाँ जो थी वो इंडियन थी। इन स्टिफ शूज एंड क्लोजली क्लिंगिंग ड्रेसेस, क्लिंगिंग होते हैं टाइट, बिल्कुल लिपटे हुए कपड़े जो पहनते हैं, ठीक है, स्टिफ भी टाइट ही होता है, तो टाइट से शूज और टाइट से कपड़े इन लड़कियों ने पहने हुए थे। द स्मॉल गर्ल्स वोर स्लीव्ड एप्रन्स एंड शिंगल्ड हेयर, और जो छोटी लड़कियां थी उन्होंने शिंगल्ड हेयर, मतलब उनके बाल कटे हुए थे, ठीक है, और उन्होंने स्लीव वाले एप्रन्स पहन रखे थे। आई वॉक नॉइसलेसली इन माई सॉफ्ट मोकेजिन्स, और मैं अपने मोकेजिन्स में, मोकेजिन्स होते हैं
जो जूते पहने हुए हैं, ठीक है, जूते। तो मैं अपने मोकेजन्स में धीरे धीरे बिल्कुल कम आवाज़ करके चलने लगी। आई फेल्ट लाइक सिंकिंग टू द फ्लोर फॉर माई ब्लैंकेट हैड बीन स्ट्राइप फ्रॉम माई शोल्डर्स। और क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी तो मैं ब्लैंकेट लेके आ रही थी, लेकिन मुझे लग रहा था कि मैं बिल्कुल ज़मीन में गड़ जाऊँ, है ना, सिंकिंग, ऐसा लग रहा बिल्कुल इसमें ज़मीन में ही गड़ जाऊँ। फॉर माई ब्लैंकेट हैड बीन स्ट्राइप्ड ऑफ फ्रॉम माई शोल्डर। आई लुक्ड हार्ड एट द इंडियन गर्ल्स हु सीम नॉट टू केयर दैट दे वर इवन मोर इमोडेस्टली ड्रेस देन आई। और मैं उन लड़कियों को देख रही थी जिन्होंने मुझसे भी बेकार कपड़े पहने थे, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इन देयर टाइट फिटिंग क्लोथ्स व्हाइल वी मार्ज इन द बॉयज एंटर्ड एट एन अपोजिट डोर। और जैसे ही हम डाइनिंग रूम की तरफ गए तो अपोजिट दरवाजे से लड़के जो थे उन्होंने एंट्री करी। आई वॉच फॉर द थ्री यंग ब्रेव्स हु केम इन आवर पार्टी। आई स्पाइड देम इन द रेयर rear ranks looking as uncomfortable as I felt. A small bell was tapped and each of the pupils drew a chair from under the table. Supposing this act meant they were to be seated, I pulled out mine at one, slipped in it from one side. अब मैंने देखा कि तीन ब्रेव लड़के जो हमारी पार्टी में आए थे, I spied them in the rear ranks looking as uncomfortable as I felt. और मुझे उनको देख के लग रहा था कि जितनी अनकम्फर्टेबल मैं फील कर रही हूँ उतनी अनकम्फर्टेबल वो भी फील कर रहे थे। अ स्मॉल बेल वॉज टैप्ड, इतने में एक छोटी सी बेल और बजी एंड जितने भी बचे थे वहाँ पे स्टूडेंट्स थे उन्होंने जो है चेयर अपनी टेबल से बाहर निकाले। सपोजिंग दिस एक्ट मेंट दे वर टू बी सीटेड, और ऐसा लगा कि अब ये लोग बैठ जाएंगे चेयर पे। आई पुल्ड आउट माइन एंड एट वन स्लिप्ड इनटू फ्रॉम वन साइड, मैंने भी अपनी निकाली और मैं उसमें बैठ गई। But when I turned my head, I saw that I was the only one seated. लेकिन जैसे मैंने इधर उधर देखा तो मैंने देखा कि सिर्फ मैं ही बैठी हुई थी, बाकी सब खड़े थे। And all the rest at our table remained standing. सबके सब खड़े थे लेकिन सिर्फ मैं ही चेयर पर बैठी थी। Just as I began to rise, looking shyly around to see how chairs were to be used, a second bell was sounded. अब मुझे समझ नहीं आया कि भाई चेयर तो बैठने के लिए होती है, मैं बैठ गई हूँ बाकी बैठे नहीं है। तो अब मुझे ये जानना था कि चेयर किस लिए यूज़ करेंगे, ये क्यों खड़े हैं सारे के सारे। इतने में दूसरी बेल बजी, ऑल वर सीटेड एट लास्ट, और इतने में सारे बच्चे जो थे वो बैठ गए। तो इसका मतलब ये था कि हमें सारे काम बेल के अकॉर्डिंग करने थे। एक बेल बजी, चेयर निकाली, दूसरी बेल बजी, चेयर पे बैठ गए। तो मतलब बेल से पहले हमें कोई भी काम नहीं करना, बेल वॉज द इंस्ट्रक्शन फॉर अस, है ना। All were seated at last and I had to crawl back into my chair again. अब मैं तो खड़ी हो गई थी तो सब बैठ गए, अब वापस मुझे अपनी चेयर पे बैठना पड़ा। I heard a man's voice at one end of the hall and I looked around to see him. अब मैंने उस हॉल के कोने में कहीं से एक आदमी की आवाज़ सुनी और मैं उस आदमी को देखने लगी कि कहाँ से आवाज़ आ रही है। But all others hung their head over their plates. लेकिन मुझे छोड़ के सभी बच्चों ने अपना सिर जो है वो प्लेट की तरफ झुका दिया। As I glanced at the long chain of tables, I caught the eyes of a pale-faced woman upon me. अब जब मैं इधर उधर देख रही थी तो मैंने देखा कि वो pale-faced woman जो है वो सिर्फ मुझे ही देख रही थी, मुझे ही नोटिस कर रही थी। Immediately I dropped my eyes. अब मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लगा उसे देख के और मैंने एकदम से फिर इधर उधर देखना बंद किया। Wondering why I was so keenly watched by the strange woman. अब मैं ये सोच रही थी कि ये औरत मुझे क्यों देख रही है, मुझे समझ नहीं आया। The man ceased his mutterings and then a third bell was tapped. अब उस आदमी ने जो अपना कहना था कहा और फिर इतने में तीसरी बेल बजी। Everyone picked up his knife and fork and began eating. और सबने अपना जो है फॉक और नाइफ लिया तीसरी बेल पे और खाना खाना शुरू किया। I began crying instead for by this time I was afraid to venture anything more. और अब मुझे जो है समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। एंड इसके बाद मैं और मतलब ऐसा लग रहा था कि रो पड़ूंगी, है ना। बट दिस ईटिंग बाय फॉर्मूला वॉज नॉट द हार्डेस्ट ट्रायल इन दैट फर्स्ट डे। और ये जो था ये मेरे लिए सबसे हार्डेस्ट ट्रायल नहीं था उस दिन का कि बेल बजेगी तो चेयर निकालो, फिर बेल बजेगी तो उसमें बैठ जाओ, फिर बेल बजेगी तो फोक और नाइफ ले लो। दैट वॉज नॉट द हार्डेस्ट, इसके बाद भी और हार्ड चीज़ें थी। वो क्या थी? लेट इन द मॉर्निंग माई फ्रेंड जुडविन गेव मी अ टेरिबल वार्निंग। मेरी फ्रेंड जुडविन ने मुझे सुबह सुबह एक वार्निंग दी थी। वॉज दैट, वॉट वॉज दैट, दैट वॉज
जुडविन न्यू अ फ्यू वर्ड्स ऑफ इंग्लिश. जुडविन को इंग्लिश के कुछ वर्ड्स आते थे एंड शी हैड ओवर हर्ड द पेल फेस वुमेन टॉक अबाउट कटिंग आर लॉन्ग हेयर हैवी हेयर. तो उसने सुना था कि वो जो पेल फेस वुमेन थी वो कुछ ऐसी बातें कर रही थी कि हम दोनों के जो है इतने हैवी हैवी हेयर काट दिए जाएंगे. तो ये भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा डरावने वाली बात थी. Our mothers had taught us that only unskilled warriors who were captured had their hair shingled by the enemy. अब हमारी मम्मी ने हमें सिखाया था कि जो unskilled warriors होते हैं, मतलब जिनमें skill की कमी होती है या जो enemy से लड़ने में नाकाम होते हैं, उन्हीं के बालों को जो है काट दिया जाता है. Among our people, short hair was worn by mourners and shingled hair by cowards. और हमारे यहाँ पे तो जो छोटे बाल होते हैं वो कौन रखते हैं? मॉर्नर्स रखते हैं, है ना. मतलब कि जो रोते हैं, किसी के दुख में रोते हैं, वो रखते हैं छोटे बाल. और कॉवर्ड्स जो होते हैं, जो डरपोक होते हैं, वो रखते हैं. तो फिर हमारे क्यों? We discuss our fate same moments and when Judwin said we have to submit because they are strong. और फिर इतने में मेरी फ्रेंड जुडविन ने कहा कि नहीं, हमें सबमिट करना ही पड़ेगा भाई, हमें अपने बाल कटवाने ही पड़ेंगे. और उसका रीज़न ये है कि ये लोग बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं, स्ट्रॉन्ग हैं. लेकिन मैंने इस बात को नहीं माना, आई रिबेल्ड. ठीक है, नेक्स्ट. नो, आई विल नॉट सबमिट, आई विल स्ट्रगल फर्स्ट. मैंने ये बोला अपनी फ्रेंड को कि मैं आसानी से ऐसे नहीं अपने बाल कटवाने दूंगी, मैं इसके लिए स्ट्रगल करूँगी. I answered, I watched my chance and when no one noticed, I disappeared. और मैंने मौका देख के मैं वहाँ से गायब हो गई. I crept up the stairs as quietly as I could in my squeaking shoes. मैं चुपके से बिना आवाज़ किए ऊपर की तरफ गई. My moccasins had been exchanged for shoes. मेरे जो soft moccasins थे वो किसी shoes से exchange हो गए थे, पर कोई बात नहीं, मैं चुपके से ऊपर गई. Along the hall I passed without knowing whither I was going. मैं एक बड़े से हॉल में मैंने एंट्री ली, मुझे नहीं पता था मैं कहाँ जा रही हूँ. Turning aside to an open door I found a lodge with three beds in it. और जैसे ही मैं टर्न हुई तो मैंने देखा कि वहाँ पे जो है तीन बेड लगे एक कमरा है. The windows were covered with dark green curtains which made the room very dim. वहाँ पे डार्क ग्रीन कलर के कर्टन्स से विंडो कवर थी एंड इसने रूम को काफ़ी डिम बना दिया था, मतलब कि लाइट कम आ रही थी उस रूम में. थैंकफुल दैट नो वन वॉज देयर. और मुझे इस बात से बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि किसी ने मुझे नहीं देखा और उस रूम में भी कोई नहीं था. आई डायरेक्टेड माई स्टेप टूवर्ड द कॉर्नर फार्दस्ट फ्रॉम द डोर. अब मैं धीरे धीरे जो है कोने की तरफ गई. ऑन माई हैंड्स एंड नीज आई क्रॉल अंडर द बेड. और मैं फिर जो है एक बेड के नीचे छुप गई. And huddled myself in the dark corner. और मैंने अपने आप को dark corner में छुपा लिया. Now, अब क्या होता है? From my hiding place I peered out. और मैं जो है बाहर झांकने लगी, जहाँ पे छुपी थी वहाँ से मैं बाहर देखने लगी. Shuddering with fear whenever I heard footsteps nearby. और जैसे जैसे footsteps जो है मुझे सुनाई देते थे, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था. दो इन द हॉल लाउड वॉइसेज वर कॉलिंग माई नेम एंड आई न्यू डैट इवन जुडविन वॉज सर्चिंग फॉर मी. अब मुझे मेरी नाम की आवाज़ें सुनाई दी और मुझे पता था कि जुडविन, मेरी फ्रेंड भी मुझे ही ढूंढ रही है. आई डिड नॉट ओपन माई माउथ टू आंसर. लेकिन मैंने बिल्कुल भी अपनी जुबान नहीं खोली, अपना मुँह नहीं खोला. देन द स्टेप्स वर क्विकन एंड द वॉइसेज बिकेम एक्साइटेड. और फिर क्या हुआ कि आवाज़ें जो है और तेज होने लगी और मुझे ढूंढने के सारे पॉसिबल एफर्ट्स किए गए. द साउंड्स केम नियरर एंड नियरर. और आवाज़ें मेरे और पास और नज़दीक आती गई. वुमेन एंड गर्ल्स एंटर्ड द रूम. अब उस रूम में जहाँ मैं छुपी हुई थी वहाँ पे वुमेन और लड़कियों ने एंट्री करी. आई हेल्ड माई ब्रेथ एंड वॉच देम ओपन क्लोजेड डोर्स एंड पीप बिहाइंड लार्ज ट्रंक्स. मैंने देखा कि वो मुझे जो है हर जगह ढूंढ रही है, ट्रंक के पीछे कोने में सब जगह ढूंढ रही है. Someone threw up the curtains and the room was filled with sudden light. किसी ने एकदम से पर्दे जो है वो खोल दिए और उस कमरे में काफ़ी ज़्यादा लाइट आ गई. अब तो सब कुछ विजिबिलिटी थी, सब दिखाई दे रहा था. What caused them to stoop and look under the bed? I do not know. मुझे समझ नहीं आया कि उनके दिमाग में ऐसा क्या आया
वो झुके और उन्होंने बेड के नीचे देखा। आई रिमेंबर बींग ड्रैग्ड आउट दो आई रेजिस्टेड बाई किकिंग एंड स्क्रैचिंग वाइल्डली। अब मुझे याद है कि मुझे किस तरीके से उस बेड से बाहर निकाला गया। मैंने बहुत ज़्यादा रेजिस्ट भी किया, है ना, मैंने स्क्रैच भी किया, मतलब मेरे जो एक्ट था वो काफ़ी वाइल्ड था। मैं नोच भी रही थी, मैं लात भी मार रही थी। इन स्पाइट ऑफ माई सेल्फ आई वॉज कैरीड डाउन स्टेयर एंड टाइड फास्ट इन अ चेयर। मतलब मैं नहीं जाना चाहती थी, फिर भी मुझे ज़बरदस्ती पकड़ के नीचे ले जाया गया और चेयर पे मुझे बांध दिया गया। आई क्राइड अलाउड शेकिंग माई हेड ऑल द वाइल अंटिल आई फेल्ट द कोल्ड ब्लेड्स ऑफ द सीजर्स अगेंस्ट माई नेक। मतलब मैंने जो है बहुत ज़्यादा रोई, मैंने अपने हेड को शेक किया, मतलब कि कोई मेरे बाल ना काट सके, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा अपने सिर को हिला रही थी। और मैं तब तक हिलाती रही जब तक कि मुझे मेरे नेक के नीचे ठंडी ठंडी ब्लेड्स नहीं महसूस हुई। एंड हर्ड द नॉ ऑफ वन ऑफ माई थिक ब्लेड्स। और फिर मैंने देखा कि मेरी मोटी एक चोटी जो है काट के फेंक दी गई। देन आई लॉस्ट माई स्पिरिट। अब तो मैंने अपनी जितनी भी हिम्मत थी सब खो दी। सिंस द डे आई वॉज टेकन फ्रॉम माई मदर आई हैड सफर्ड एक्सट्रीम इनडिग्निटीज। जब से मैं अपनी मम्मी से दूर हुई थी, मुझे बहुत ज़्यादा बेइज्जतियों का सामना करना पड़ा। पीपल हैड स्टेयर्ड एट मी, आई हैड बीन टॉस्ड अबाउट इन द एयर लाइक अ वुडन पपेट। बच्चे जो है, लोग जो है, मुझे हमेशा निहारते थे, एकटक देखते थे, मुझे पपेट की तरह हवा में उछाला जाता था। एंड नाउ माई लॉन्ग हेयर वॉज शिंगर लाइक अ कॉवर्ड्स। क्योंकि उस समय मेरे बाल इतने सुंदर थे, बहुत प्यारे थे, और मैं एक डॉल की तरह लगती थी। लेकिन अब मेरे बाल जो हैं बिल्कुल डरपोकों की तरह काट दे रहे। इन माई एंग्विश आई मॉर्न फॉर माई मदर बट नो वन केम टू कम्फर्ट मी। मैं अपनी मम्मी के लिए बहुत ज़्यादा रो रही थी, मुझे मम्मी की बहुत याद आ रही थी, लेकिन किसी ने भी मुझे जो है सांत्वना नहीं दी। मतलब किसी ने मुझे समझाया नहीं, किसी ने मेरे को कम्फर्टेबल जोन में नहीं लेके आए। नॉट अ सोल रीजन क्वाइटली विद मी एज माई ओन मदर यूज टू डू। मतलब वहाँ पे जितने भी लोग थे, किसी ने भी मुझे चुप नहीं कराया जैसे मेरी मम्मी मुझे कराती थी। फॉर नाउ आई वॉज ओनली वन ऑफ मैनी लिटिल एनिमल्स ड्राइवन बाई अ हर्डर। अब क्योंकि मैं भी उन बहुत सारे एनिमल्स में से एक थी जिनको एक ही हर्डर जो है चला रहा था। एंड दिस वॉज द स्टोरी। मतलब किस तरीके से इस लड़की के साथ इतना गलत हुआ, उसके बाल काट दिए गए। एंड शी वॉज यू नो अंदर से बिल्कुल टूट चुकी थी। ठीक है, आई होप सबको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।